सामाजिक क्रिया। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक प्राणी इसलिए है कि वह सामाजिक जीवन, सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में अनेक प्रकार की क्रियाओं का संपादन करता है। मौलिक प्रश्न यह है कि व्यक्ति सामाजिक क्रियाओं का संपादन क्यों करता है। इस संदर्भ में अनेक उत्तर दिए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कर्म है, अकर्म है, अकर्म है, विक्रम है। सामाजिक क्रिया का अर्थ है, इसमें मैक्स वेबर के काफ़ी अच्छे सिद्धांत दिए गए हैं। आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गाइस, ये उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक क्रिया के तत्वों में कर्ता, उद्देश्य, परिस्थिति, साधना और उदाहरण भी दिए गए हैं। आप देख सकते हैं PhD ही एक ऐसा मात्र साधन होता है जब नौकरी प्राप्त PhD करने में सहायता दी जाए तो उसे साधन कहा। क्रिया का समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है? इम्पोर्टेंट हो जाता है धार्मिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और वैज्ञानिक क्रिया। आप ये देख सकते हैं दुर्खिम का सिद्धांत। आप जानते हैं कि दुर्खिम फ्रांस का समाजशास्त्री था। समाजशास्त्र का पिता अगस्त कॉम्टे को भी फ्रांस ही के ही थे। अतः समाजशास्त्र कॉम्टे के विचारों से समाजशास्त्र में दुर्खिम और कॉम्टे के विचारों का अत्यधिक प्रभाव। यही कारण है कि दुर्खिम को सकारवाद यानी पॉजिटिव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दुर्खिम को समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद यानी सोशल पॉजिटिविज्म का प्रतिपादक कहा जाता है। समाज का वैज्ञानिक निरीक्षण और परीक्षण वह आधार है जिसकी सहायता से सामाजिक क्रियाओं की खोज की जा सकती है। सामाजिक क्रिया के इसी आधार को दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट कहा है। समाज तथ्य का सिद्धांत आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट, दुर्खिम का सामाजिक सिद्धांत। इसे पद्धति शास्त्र को समझना भी जरूरी है। सामाजिक तथ्य मनोवैज्ञानिक तथ्य। सामाजिक तथ्य की विशेषताएं, बाध्यता, व्यक्तियों के विभिन्न और उनके मस्तिष्क की अवस्था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यक्ति व्यवहार और दृष्टिकोण, सामूहिक व्यवहार दृष्टिकोण में अंतर, सामूहिक समंगों की समरूपता, प्राणीशास्त्रीय समानता, सामाजिक तथ्यों के प्रकार सामान्यतया। फिर ये देखिए, आप देख सकते हैं व्याधिशास्त्रीय। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का दूसरा स्वरूप व्याधिशास्त्रीय होता है। व्याधित शास्त्रीय वे तथ्य हैं जो सामाजिक एकता को समाप्त करते हैं। बेबलिन का सिद्धांत। बेबलिन पहला समाजशास्त्री था जिसने सामाजिक क्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयास किया है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया का अपने चिंतन का मूल आधार बनाया है। मैक्स वेबर ने समाज के जो क्रिया की अवधारणा को अपने चिंतन का मूल आधार बनाया है। मैक्स वेबर के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में किसी न किसी प्रकार की क्रिया करता ही रहता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के संपादन को कर्ता का महत्वपूर्ण इकाई माना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स वेबर की महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। देखिए सामाजिक क्रिया के प्रकार कैसे होते हैं, देख सकते हैं आप। परंपरात्मक सिद्धांत है, भावात्मक सिद्धांत है, मूल्यात्मक प्रकार है, बौद्धिक प्रकार है। सामाजिक क्रिया को समझने की विधियां ये देखिए, आप उसको डायग्राम के जरिए भी बनाकर इसे अपनी बात समझा सकते हैं, जिसमें सामाजिक क्रिया को समझने की विधियां जो बौद्धिक विधि है, भावात्मक विधि है, तार्किक विधि है और गणित विधि है, यानी कि इसमें मिक्स विधि रहती है, इसको आप बोल सकते हैं। ये देखिए इसमें पूरा ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है ना कि समाजशास्त्र कई विषयों का संगम है, इसमें कई विषय आते हैं, ये एक नया विज्ञान है। गणितीयश्रीय क्रियाएं हैं वे जिन्हें गणित के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे 2+2=4 होता है, वैसे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि 2 और 2 से मिलकर 4 होने की जो क्रिया है उसे हम अन्य किसी के माध्यम से नहीं समझ सकते। ऐसे ये भावात्मक विधि जिसे इमोशनल मेथड भी कहा जाता है,
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसके साथ ही साथ वह भावात्मक प्रधान भी होता है और वह तर्क बुद्धि के द्वारा संचालित नहीं होता। वह अनेक ऐसे कार्यों को संपादित करता है जो भावनात्मक पर आश्रित होते हैं। अधिकांश सामाजिक क्रिया ऐसी होती है जिसे भौतिक रूप से न समझा कर भावनात्मक के माध्यम से समझा जाता है। व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया भावात्मक विधि से पहले ही संबंधित है। इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मानसिक क्रियाओं को हम इस प्रकार माध्यम से नहीं समझ सकते। आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, फिर यहाँ देखिए व्याख्यात्मक विधि, पैरेटो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। यहाँ पे देखिए पैरेटो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। अवलोकन प्रयोग तर्क के आधार पर सत्य का पता लगाना, साधन और साध्य यानी साध्य को इंट्स और साधन को मीन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र की अपनी एक डिक्शनरी है, उसमें कुछ देखिए मैनेज प्रोपोज एनिमल यानी कि मनुष्य उद्देश्यपूर्ण प्रणाली है, मनुष्य उद्देश्यपूर्ण प्राणी है। तार्किक और अतार्किक क्रिया, ये पैरेटो का सिद्धांत है। ये हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, UGC नेट हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल का एग्ज़ाम हो और समाजशास्त्र से आप दे रहे हैं, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देख सकते हैं वाइन के पैरेटो के अता क्रिया की अवधारणा को व्यक्त करते हुए लिखा है, अतार्किक क्रिया वो किसी भी क्रिया से देखिए बल्कि किसी ऐसी प्रेरक क्रिया है पर द्वारा निर्धारित होती है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसको अच्छे से सब्जेक्ट और सिलेबस को समझना होता है। अभी आप देखिए इसमें सामाजिक क्रिया के प्रतिमान विकल्प को आप हेडिंग के माध्यम से भी समझा सकते हैं। ये देखिए यहाँ परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए सामाजिक क्रिया और संस्था का प्रतिमान दिया गया है, जबकि इसमें पॉइंट आप देख सकते हैं सोशल है, रिलीजियस है, पॉलिटिक है और इकोनॉमिक है।